हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। बूस्टअप पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जनरल नॉलेज के में देखेंगे भारत के प्रमुख नदियों और उसके किनारे बसे जो भी शहर हैं उसके बारे में देखेंगे, जो भी प्रमुख जो भी फेमस नदी है उसके और जो फेमस सिटी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको जीके से रिलेटेड कोई भी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वन बाई वन करके सभी शहर के जितने भी नदी हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे। पहला हमारा है यमुना नदी। देखिए यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है? मथुरा, आगरा, दिल्ली। ये बहुत ही फेमस नदी है। ठीक है, मथुरा, आगरा, दिल्ली इसके किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा गंगा नदी। गंगा नदी पता है कि गंगोत्री से निकलता है, उत्तराखंड से। ठीक है, तो देखिए ये इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, पटना। ठीक है, इसके आगे और जाइएगा तो भागलपुर वगैरह में भी यही नदी मिलेगी आपको। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये इलाहाबाद में इसका संगम हो जाता है गंगा जमुना सरस्वती के साथ और वहां से गंगा निकल जाती है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये नॉर्थ भारत की नदी है। नॉर्थ भारत मतलब उत्तरी भारत का जो भी पार्ट है, तो ये डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है, वहां से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, तो ये डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र एक्चुअली में ब्रह्मपुत्र जो निकलती है ये चाइना से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सतलज नदी। फिरोजपुर, लुधियाना, ये दोनों जो बसे हुए हैं, ठीक है, ये सतलज नदी के किनारे बसे हैं। सतलज भी बोलते हैं इसको, सतलज भी कहा जाता है। नेक्स्ट नदी है हमारी महानदी। महानदी जो कि उड़ीसा में पड़ती है, ये कटक, संबलपुर, ये दोनों जो शहर हैं ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है अलकनंदा। देखिए अलकनंदा जो है ये बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड में जो पड़ता है, ये बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा तुंगभद्रा। देखिए तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है ये कुर्नूल शहर बसा हुआ है, जो कि एक बहुत ही फेमस शहर है आंध्र प्रदेश का। ये आंध्र प्रदेश का ये एक बहुत ही फेमस सिटी है। कुर्नूल को कहा जाता है कि भारत का सातवां सबसे बड़ा शहर है ये कुर्नूल। ठीक है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा झेलम नदी। झेलम नदी देखिए श्रीनगर, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है कि जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो है झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट है हमारा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी देखिए सूरत, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, जो गुजरात का एक शहर है। ठीक है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए तो नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो कि देखिए ये विजयवाड़ा जो शहर है ये बहुत ही फेमस शहर है आंध्र प्रदेश का। ये बहुत ही फेमस शहर है जो कि कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसमें यह है। नेक्स्ट है हमारी शिप्रा नदी। देखिए ये भी एग्जाम में पूछता है बार बार, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन जो कि एक मध्य प्रदेश का एक शहर है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है सरजू नदी। सरजू नदी देखिए अयोध्या, बहुत लोग गंगा टिक करके चले जाते हैं कि अयोध्या जो है वो गंगा नदी या यमुना नदी किनारे बसा है, लेकिन एक्चुअल में ये सरजू नदी के किनारे ये बसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा हुगली नदी। सबको पता है कि हुगली नदी कहाँ से निकलती है? ये कोलकाता, कोलकाता का ये मेन रिवर है, तो ये कोलकाता जो बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है गोमती नदी। देखिए लखनऊ, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है नर्मदा रिवर। नर्मदा जो है जबलपुर, जबलपुर एक मध्य प्रदेश का शहर है और ये जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ये भी एग्जाम में लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है या जबलपुर, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा चंबल नदी। देखिए चंबल नदी जो ये कोटा जो दिख रहा है जो कि राजस्थान का, देखिए कोटा तो है एक श्रीहरिकोटा है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पे परमाणु संस्थान है, जहाँ पे प्रक्षेपण वगैरह किया जाता है, लॉन्च किया जाता है मिसाइल वगैरह। और यहाँ पे जो है ये कोटा जो है ये राजस्थान का एक शहर है जो कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी यानी ये महाराष्ट्र, ठीक है, ये नासिक, देखिए नासिक एक शहर है, बहुत ही फेमस शहर है। ठीक है, ये गोदावरी नदी के किनारे बसा है, ये महाराष्ट्र का एक शहर है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की नदी है। कावेरी नदी ये देखिए श्रीरंगपट्टम यानी कर्नाटका में ये है। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टम जो है शहर ये बहुत ही फेमस शहर है जो कि ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जो है मसूरी से बहुत ही पास में है। नेक्स्ट है मूसी नदी। देखिए हैदराबाद जो बसा हुआ है, ये हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। ठीक है, ये भी एग्जाम में ये कावेरी नदी वाला ये भी पूछा हुआ है, नासिक भी पूछा हुआ है ये।
एग्जाम में सब चंबल में पूछा हुआ है, ये सब फेमस जितने भी फेमस है वही मैंने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्वर्ण रेखा नदी। अब देखिए ये भी पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट है साबरमती नदी, साबरमती अहमदाबाद, सावर नदी के किनारे अहमदाबाद और सावर नदी के किनारे गांधी जी का जो आश्रम है, गांधी आश्रम है। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे ये गुजरात का एक फेमस शहर है अहमदाबाद, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें जीके के लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, और आप लोग इसको अपना नोट्स बना सकते हैं और उसको याद करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।